इस रिव्यू के स्पॉन्सरर्स हैं आप यानी मेरी ऑडियंस, और मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपने चैनल पे नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बोलना पसंद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। एक बड़े रूम की रिक्वायरमेंट होती है एक बड़ा टीवी, और नोकिया को ये बात देर से ही सही मगर समझ आ गई। फ्लिपकार्ट नोकिया का 65 इंच वेरियंट लॉन्च करने जा रहा है 6 अगस्त को। एक्साइटिंग, बट मार्केट में खासकर बजट सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 65 इंच वेरिएंट को लॉन्च कर चुके हैं और सक्सेसफुल भी हैं, जैसे वीयू, सैन्यो, थॉमसन एट्सेट्रा। तो कैसे पता चले कि इनमें से बेस्ट टीवी कौन सा है? आई विल टेल यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं बजट रेंज के दो बेस्ट 65 इंच टीवीज को कंपेयर करूंगा नोकिया के 65 इंच टीवी के साथ और बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं व्यू अल्ट्रा और मी टीवी 4X के 65 इंच मॉडल को कंपेयर करूंगा नोकिया के 65 इंच मॉडल से, और अगर आप इन तीनों में से किसी भी टीवी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। नोकिया टीवी आएगा अपने फेमिलियर थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा एचडी 3814x2160 का रेजोल्यूशन और 60 Hz का रिफ्रेश रेट। ये टीवी आएगा एक 8-bit FRC IPS डीलेट पैनल के साथ, जिसकी ब्राइटनेस चली जाएगी 480 निट्स तक, और वो पैनल सपोर्ट करेगा HDR10 और डॉल्बी विजन को। व्यू अल्ट्रा टीवी आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। इस टीवी में आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 का रेजोल्यूशन और 60 Hz का रिफ्रेश रेट। ये टीवी आता है 8-bit प्लस FRC VA डीलेट पैनल के साथ और इसकी ब्राइटनेस चली जाती है 400 निट्स तक। ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को। मी टीवी 4X आता है थिन बेजल डिजाइन, मेटल फ्रेम और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 का रेजोल्यूशन और 60 Hz का रिफ्रेश रेट। ये आता है 10-bit IPS डीलेट पैनल के साथ, जो कि LG से लिया गया है, और इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 400 निट्स तक। ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10 को। 10-bit पैनल बेटर देन 8-bit FRC और ज्यादा ब्राइटनेस मतलब ज्यादा कलर्स? नॉट ऑलवेज, अदरवाइज इंडिया का बेस्ट सेलिंग टीवी होता थॉमसन ओथ प्रो। नोकिया में 4K अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी के अलावा आपको MEMC, वाइट कलर गैमेट और इंटेलिजेंट डिमिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं वीयू के अंदर 4K अपस्केलर के अलावा आपको क्रिकेट मोड और PC मोड देखने को मिलेगा, और मी टीवी के अंदर 4K अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी के अलावा आपको वाइट कलर गैमेट, MEMC और एक विविड पिक्चर इंजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्लियरली वीयू नोकिया और मी टीवी से पीछे है, क्योंकि उसमें MEMC टेक्नोलॉजी जैसा फीचर नहीं है। लेकिन द बैड पार्ट इज कि इन दोनों टीवीज के अंदर जो MEMC टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ 60 Hz पे काम करती है, जो कि मोशन ब्लर को कंट्रोल करने में इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। नोकिया टीवी आता है एंड्रॉइड 9 टीवी OS आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A53 CPU और माली के 450 MP4 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 2.25 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, जिसमें यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। View Ultra TV आता है Android 9 TV आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU। ये टीवी आता है 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज के साथ, और इसके अंदर यूजेबल स्टोरेज होती है 11 GB की। मी टीवी 4X भी आता है Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है पैचवॉल 3 की। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिमिलर या बराबर जैसे मिलेंगे, लेकिन मी टीवी के अंदर आपको पैचवॉल 3 का इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्टेंट देखने की ऑप्शन मिलेगी, एंड दैट सर्टनली इज एन एज ओवर व्यू एंड नोकिया। नोकिया टीवी के अंदर आपको मिलेगी 24 वॉट की बिल्ट इन JBL की साउंड बार। व्यू अल्ट्रा के अंदर आपको मिलेंगे 30 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर्स, और मी टीवी के अंदर आपको मिलेंगे 20 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स। नोकिया की JBL साउंड बार इन तीनों टीवीज में से बेस्ट साउंड करेगी, क्योंकि उसको हमने पहले भी 55 इंच मॉडल के अंदर सुना है और उसकी साउंड इंप्रेसिव है।
लेकिन क्योंकि 65 इंच टीवीज बड़े रूम्स में लगाए जाते हैं, लेट्स से 15x15 और इवन बिगर, नोकिया टीवी का भी साउंड आउटपुट उतना सफिशिएंट नहीं होगा जो आपको सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट दे सके। इसके लिए आपको एक प्रॉपर होम थिएटर या एक अच्छी साउंड बार लगानी ही पड़ेगी, जो मैं बाकी दोनों टीवीज के अंदर भी रेकमेंड करूंगा। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, पर जहां नोकिया और वीयू आपको फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल देते हैं, मी टीवी में आपको मिलता है एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन का रिमोट कंट्रोल। सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस तीनों ही टीवीज के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन नोकिया इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इस टीवी के अंदर भी हेडफोन जैक नहीं है और सिंगल बैंड वाईफाई 65 इंच टीवी होने के बावजूद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। नोकिया टीवी का प्राइस रखा गया है 65,000 रुपीज, मी टीवी 4X मिलता है 55,000 रुपीज के अंदर, और व्यू अल्ट्रा का प्राइस है 50,000 रुपीज। बट दैट्स अ जोक, ना वो कभी टीवी मिलता है और ना कभी इस प्राइस पे। तो क्या करना चाहिए आपको, कौन सा टीवी लेना चाहिए इन तीनों में से? अकॉर्डिंग टू मी, इस कंपैरिजन का क्लियर विनर है मी टीवी 4X अनडाउटेडली, क्योंकि उस टीवी के अंदर आपको मिलती है ज्यादा अच्छी कलर रिप्रोडक्शन, ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर और ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस। नोकिया टीवी सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के साथ अपनी इतनी ज्यादा कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और हां, अगर आपका बजट कम है तो व्यू अल्ट्रा टीवी इज द बेस्ट बेट, बट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टीवी इज एन इशू, जो कि जल्दी ही सॉल्व होने वाली है एमेजॉन प्राइम डे सेल पे। तो क्या आपको नोकिया टीवी नहीं लेना चाहिए? अगर आप 65,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं अपने 65 इंच के टीवी के ऊपर, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़े दिन वेट करें, क्योंकि मी टीवी के नए प्रीमियम टीवीज को लॉन्च होने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। और हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम डे सेल पे डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए आपको Amazon प्राइम मेंबरशिप की जरूरत है, जिसके बिना आप डिस्काउंट्स को अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करके प्राइम मेंबर बन सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ज्यादा वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए आपके मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट दे सकता हूं, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप कुछ अर्जेंटली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू वेरी मच।